नमस्कार मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। एलडीसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या होते हैं फास्फोरस। अणु कौन सा है नाइट्रोजन H2N2O2 और P4। इन्हीं से परमाणु से क्या बन गए अणु बन गए। अब तत्व यौगिक क्या होते हैं तत्व यौगिक जैसे अणु अणु किससे बनकर मिलकर बना होता है एक तो तत्व और यौगिक इन दोनों से मिलकर क्या बनता है अणु बनता है। जैसे H2 और यौगिक है H2 इनसे क्या बन गए अणु बन गया। अब देखो इनमें डिफरेंट देखते हैं कि तत्व यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंट होता है। तो मिश्रण क्या होता है मिश्रण का अगर देखते हैं तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे चाशनी है चाशनी को चीनी में अगर चाशनी बनती कैसे है चीनी और पानी को मिलाया तो क्या बना चाशनी बनी। तो चाशनी का कोई सूत्र नहीं होता है और यौगिक का क्या होता है सूत्र होता है। यौगिक का तो सूत्र होता है मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे जल का देखो जल का जल को हम क्या लिखते हैं H2 हाइड्रोजन के तो दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक। चीनी का सूत्र होता है C11H22 और O11। ग्लूकोज का होता है C6H12 और O6। तो ये दोनों याद रखने हैं चीनी का सूत्र और ग्लूकोज का सूत्र क्योंकि पिछले वाले में आपसे पूछा हुआ सूत्र है। तो सूत्र ये जो इम्पोर्टेंट है वही 10-12 बताऊँगी वो याद कर लेना आप इसमें से आ जाएगा आपकी। जैसे मिस यौगिक में तो क्या हो गया सूत्र होगा और यौगिक बनते कैसे हैं दो अणुओं से मिलके क्या बनता है हमारा यौगिक का निर्माण होता है और इसका कोई सूत्र नहीं होता है मिश्रण का। जैसे दूध दूध का कोई सूत्र नहीं है मूत्र का कोई सूत्र नहीं है रक्त है रक्त का भी कोई सूत्र नहीं है सोडा वाटर ये सभी क्या होते हैं मिश्रण होते हैं। जैसे अब देखो वायुमंडल में N2 की मात्रा पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, ऑर्गेन की मात्रा पाई जाती है 0.9% और CO2 की मात्रा होती है 0.03%। इसको आपको प्रतिशत पॉइंटों में भी याद रखना है लगभग नहीं चलेगा N2 78 O2 21% क्योंकि जो आपके आए हैं वो बिल्कुल नज़दीक से ही आए हैं सारे ऑप्शन। तो ऐसे आपको याद करने हैं कि N2 78% O2 21% AR 0.9% CO2 0.03%। अब एक नाभिक में क्या होता है नाभिक के मध्य में प्रोटीन पाया जाता है और उसकी कक्षा में क्या होते हैं ये एक नाभिक है नाभिक में देखो नाभिक में मध्य में क्या है प्रोटॉन होते हैं और कक्षा में क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। परमाणु में कण तीन होते हैं नाभिक में कण होते हैं परमाणु में टोटल कितने कण पाए जाते हैं तीन कण नाभिक में कण दो पाए जाते हैं दो P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मिला के 2। इसमें क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन बोलते हैं 2P+N क्या होता है न्यूक्लियॉन। नाभिक में कण होते हैं दो जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। द्रव्यमान P+N से बनता है यानी किसी भी नाभिक में किसी भी अणु का द्रव्यमान वो P+N से यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के उसका द्रव्यमान बनता है। यहाँ पे N तो उदासीन रहता है यानी N किसी से क्रिया नहीं करेगा न्यूट्रॉन क्रिया नहीं करता है। P=E हमेशा व्यक्त होते हैं ठीक है P=E दोनों क्या होंगे व्यक्त होंगे पी और एन दोनों पी और ई यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमेशा व्यक्त होंगे जबकि P=N कभी नहीं होता यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी बराबर नहीं होंगे। जैसे देखो अब इसके याद करना आपको ईंट पग नारद नचे इसमें है ई से क्या होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी थॉम्सन ने की थी। पैसे पी फास्फोरस की खोज की थी गोल्डीन ने। नारद नाभिक ना से क्या हो गया नाभिक रदरफोर्ड ने की थी इस नाभिक की खोज। नचे ने से चैडविक ने से क्या हो गया न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी चैडविक ने। ईंट पग नारद नचे ई से हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉम्सन ने। पग से हो गया पे फास्फोरस की गय से हो गया गोल्डीन ने। नारद से नाभिक और रदरफोर्ड ने की थी। न से नाइट्रोजन की खोज की थी चैडविक ने। परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने ठीक है डाल्टन ने बताया था कि जो हरा और ग्रीन यहाँ पे रेड तो हो गया लाल और ये हो गया ग्रीन लाल और हरा है ना वो वर्णांधता रोग यानी कि लाल व हरा में पता नहीं कर पाता कि कौन सा तो लाल है कौन सा रोग है। जब वर्णांधता रोग हो जाता है आँख का रोग होता है वर्णांधता जिसमें लाल और हरे की पहचान नहीं होती है तो ये बताया था डाल्टन ने। और प्राथमिक रंग होते हैं RGB ठीक है ऐसे याद कर लेना रेड ग्रीन और ब्लू प्राथमिक रंग RGB। अब देखो अणु देखते हैं हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है आवर्त सारणी का पहली बात इसकी बगैर न्यूट्रॉन इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता तो बगैर न्यूट्रोजन क्या है हाइड्रोजन।
हल्का तत्व है, आवारा या लोफर तत्व भी इसी को कहते हैं, हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में सूर्य या तारा में H2 गैस होती है। ब्रह्मांड में सूर्य या तारा में कौन सी गैस पाई जाती है? H2 गैस सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक उसमें मान ईंधन वाला यही है हाइड्रोजन। क्रायोजेनिक इंजन, अब इसी से संबंधित है हाइड्रोजन, तो इसी से समझ लेते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। ईंधन और ऑक्सीकरण, इसके द्वारा क्रायोजेनिक यानी निम्न ताप पर क्या करेंगे, ईंधन और ऑक्सीकरण H2 और O2। H2 भी द्रव अवस्था में है और O2 भी द्रव अवस्था में, इसे -253 डिग्री सेंटीग्रेड और O2 को -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किया जाता है तब हमें क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन है वो किनसे बना, निम्न ताप पर ईंधन और ऑक्सीकरण, ईंधन में H2 और ऑक्सीकरण में O2, इन दोनों को द्रव अवस्था में जब हाइड्रोजन को तो 253 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्रायोजेनिक ईंधन इंजन प्राप्त होता है। इसे GSLV या आया है, GSLV क्या होता है, जोयो स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है, सॉरी ऐसे नाम निकल गया, जी से जोयो स्टेनरी, एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्चिंग, वी से व्हीकल, जोयो स्टेनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसे GSLV क्रायोजेनिक इंजन को क्या कहा जाता है, GSLV। और इसका निर्माण होता है निम्न ताप पर, इसमें ईंधन और ऑक्सीकरण के दोनों H2 और O2 भरी जाती हैं। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम और सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। तो सबसे हल्की धातु Li से याद करना, Li बोलते हैं लिथियम को, भारी OS ओस्मियम, कठोर धातु PT प्लेटिनम। तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, केरोसिन में कौन सी धातु डुबोते हैं, तो एक तो सोडियम, एक होता है पोटेशियम, ठीक है, इन दोनों को डुबो के रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। अगर आपको इनको हवा में रख दोगे तो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तो क्रिया कर लेंगे और सोडियम आग पकड़ लेता है। मुलायम धातु लिथियम और Na और K, चाकू से भी इनको काट सकते हैं, तो मुलायम धातु होगी लिथियम, Na और K। पानी में कौन सी अधातु है, तो फास्फोरस होती है पानी में, एकमात्र द्रव धातु होते हैं HG, मरकरी बोलते हैं जिसे हम पारा बोलते हैं, एकमात्र द्रव अधातु। ये तो क्या था, पारा धातु था, और अधातु होती BR ब्रोमीन। चमकीली अधातु है आयोडीन, सर्वाधिक विद्युत का चालक होता है Ag, चांदी, फिर होता है कॉपर, फिर होता है एल्यूमिनियम। अधातु विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं, ग्रेफाइड। अधातु विद्युत की चालक है तो अधातु, लेकिन विद्युत की क्या है, चालक है, तो वो होता है ग्रेफाइड। धातु क्या होती है, धातु आघातवर्धनीय यानी चोट मारने पर फैलती है, ये तन्यता इसमें पाई जाती है, जैसे 1 ग्राम सोने में हम 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बना सकते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना AU। सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है पाई जाने वाली धातु AU, सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, 24 कैरेट शुद्ध होता है, और इसमें इसे तांबा और चांदी दोनों ऐड करके आभूषण बनाए जाते हैं, जो कितने कैरेट के होते हैं, 22 कैरेट के। सी का क्रमांक होता है सिक्स होता है, सर्वाधिक यौगिक होता है कार्बन, अपरूप होते हैं कार्बन के, इसमें कार्बन के अपरूप पाए जाते हैं। कार्बन के अपरूप में क्या होते हैं, रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, असमान होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये कार्बन के ही क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। जैसे कार्बन में हीरा क्या होता है, सबसे कठोर होता है, और सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का, अपने शरीर का अगर देखें तो एनिमल होता है, दांत में पाया जाता है। और ग्रेफाइट सुचालक होता है, सीसा पेंसिल भी कहते हैं इसे, ग्रेफाइट को हम क्या कहते हैं, ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे सीसा पेंसिल भी कहते हैं, इसलिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेह के रूप में। और फ्लोरीन फुटबॉल की बॉल के समान ये क्या रहते हैं, फ्लोरीन रहते हैं। ओ3 का होती है ओजोन परत, समतापमंडल के ऊपर होती है, इस समतापमंडल में मोटाई इसकी नापते हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ओजोन O3 की मोटाई डाब्सन से मापते हैं, पराबैंगनी किरणों से हमारी ये रक्षा करती है, कैंसर और मोतियाबिंद, पराबैंगनी किरणें यदि धरती पे आ जाएंगी तो हमें क्या होगा, कैंसर और मोतियाबिंद को बढ़ावा देती हैं। और मोतियाबिंद के लिए हमें कौन सा लेंस लगाते हैं, इंट्रोओक्युलर लेंस है वो लगाया जाता है। CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे क्रियोन भी कहा जाता है। AC और ये क्या होते हैं, AC से CFC निकलती है और फ्रीज से भी निकलती है, AC और फ्रीज में ये भरते हैं जब हम इनको चलाते हैं, तो इससे CFC गैस निकलती है।
और ये क्या करती है, ये जो CFC गैस होती है वो O3 को पतला करती है धीरे धीरे। जैसे जैसे ये CFC गैस ऊपर जाएगी, ओजोन से टकराएगी, तो ओजोन परत को ये पतला बनाने का काम करती है, जिस वजह से ओजोन में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें फ्रियोन, जैसे फ्रियोन F की मात्रा होती है 1-1-1, ये आपके ये पूछा हुआ तो क्वेश्चन नहीं है, तो ये आने के चांसेस कम है, तो ये मत पढ़ो आप। धातु लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन तो क्या होगा, कठोर होगा। लोहा जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो क्या आएगी, कठोरता आएगी, जिसे जंग या संक्षारण, यानी जब जंग लगता है या संक्षारण होता है तब क्या होगा, किसी भी धातु का भार बढ़ता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। मिश्र धातु, मिश्र धातु अब ये आपको याद करनी है कि Fe, Fe, Cni और Cr से क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील में ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होगा, स्टील में होगा। स्टील का निर्माण Fe, Cni और Cr से, और एक Ni प्लस Cr से नाइक्रोम बनता है। निकल और जब Cr मिलते हैं तब नाइक्रोम बनता है। जैसे प्रेस व हीटर के पानी गर्म करने की रोड में और तापन के लिए जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। अब इसके सोटरी देखो, ताज, ताज से क्या बन गया, पीतल बन गया। कॉपर और जिंक, कॉपर तांबा और जिंक, तांबे और जिंक से क्या बन गया, पीतल बन गया, जिसे याद रखें ना, ताज है। कॉपर और एसन, यानी एसन होता है टिन, तांबा और टिन मिला तो क्या बन गया, कांसा बन गया। ये मिश्र धातु आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप याद कर लें इसका। इसके जो मैं आपको, आप है ना, इसमें PDF फाइल चाहिए आपको तो टेलीग्राम में जाके मनोदेल सिरे क्लासेज है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी PDF फाइल ले लेना। तांबा प्लस टिन से क्या बन गया, कांसा बन गया। लेड और शीशे में जब टिन मिलाया तो क्या बन गया, सोल्डर या फ्यूज़ के तार। हमारे घर में जो फ्यूज़ के तार लगे होते हैं वो श्रेणीक्रम में हमेशा जोड़े जाते हैं। जनिता, यानी जिंक, निकल और कॉपर जब मिलता है तो क्या बनता है, जनिता से क्या बन गया, जर्मन सिल्वर। जैसे जिंक नी से निकल, ता से कॉपर से तांबा, जर्मन सिल्वर। सोका, Na2CO3, सोडा एस का सूत्र बताओ, तो सोडा एस का सूत्र याद करना, Na2CO3 सोडा एस, Na2CO3 10H2O, धावन सोडे का सूत्र है, धोने का सोडा। सोका याद कर लेना, सोका, सो Na2CO2 सोका, Na2CO2 10H2, धावन सोडा या धोने का सोडा। सोबा का यानी कोबाल्ट, इसमें क्या मिल गया, Na सोडियम हाइड्रोजन और कोबाल्ट CO3, NaHCO3, Na2CO3, Na2CO3 तो क्या होता है, सोडा एस, Na2CO3 10H2, धावन सोडा या धोने का सोडा। NaHCO3 खाने का सोडा, मीठा सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और इनो वाला भी सोडा बोलते हैं। तो ये तीनों जो याद हैं ये याद करेंगे। जर्मन सिल्वर का सूत्र भी आ सकता है कि मिश्रण किसका, मिश्रण क्या है, तो इनको आप याद करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।